कुछ दिनों से कराची में ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव शुरू है, जो काबिले इज्जत व एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर और सिंध गवर्नमेंट ने जो कहा है कि जहां भी इस तरह की इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। और इस वक्त तक मुख्तलिफ इजला में जो कराची में है, कोई 4,000 से जायद एकड़ जो हैं वो खाली कराए गए हैं, जो लोगों के कब्जे में थे या जहाँ पर तजावजात बना दी गई थी, और उसी सिलसिले का ये तसलसल था। आज भी डिस्ट्रिक्ट मलीर में जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर ये फार्म हाउसेस बनाए गए, जो ज़मीन 30 साल लीज पर थी पोल्ट्री और डायरी के लिए, और वहाँ पे इतनी बड़ी, आपने देखा मीडिया पे भी हर जगह पे कि इतनी कंस्ट्रक्शन की गई, फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, स्विमिंग पूल हैं और बहुत सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पे की जा रही हैं, और इन सब की लीज़ जो हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अगर किसी की लीज़ है भी कुछ सालों के लिए, तो वो पर्पस क्या था? जिस पर्पस के लिए वो लीज दी गई थी, वो पर्पस था कि वो डेयरी फार्म बनाए जाएं, पोल्ट्री फार्म बनाए जाएं, या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो गई। लेकिन वहां पे गैर कानूनी तरीके से ये की गई, जब रिकॉर्ड चेक किया गया जो पूरे कराची डिवीजन में किया जा रहा है, तो उस लिहाज से ये ऑपरेशन था। किसी को ये इल्म नहीं था कि ये किसी सियासी लोगों का इसमें हाथ है, लेकिन आपने खुद देखा जब ये ऑपरेशन हुआ तो एकदम बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई और वावेला मचाना शुरू कर दिया गया। देखें, मैं कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बल्कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई इस पर किसी भी जस्टिस साहब से कहें कि वो आकर इसको खुद चेक करें कि आया ये कोई इंतकामी कार्रवाई है या एक रूटीन का ये प्रोसेस जो चल रहा था। और मैं आज जो साबित हो गया कि जो बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं हमारे अलीम आदिल शेख साहब कि जी उनके भाइयों, उनके फैमिली और उनके इन पर ये हुआ है, एक्शन हुआ है, तो वो भी चेक कर लिया जाए और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब चेक करें कि आया वो ऐसे जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है या गैर कानूनी तौर पर ये सारा कुछ किया हुआ है, उनको अपनी पार्टी में और सिंध असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जिनको उन्होंने नामजद किया है, तो आया वो इस काबिल है कि वो इस मनसब के, तो ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब भी करें और पूरे पाकिस्तान की आवाम भी देख लें कि जो लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं वो असल में क्या है, और उनका ये कब्जे और इस तरह की गैर कानूनी काम है, और फिर वो इल्ज़ाम अपना कद बढ़ाने के लिए मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लेते हैं, मोहतरम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेते हैं, या फिर वो इल्ज़ाम लगाते हैं चीफ मिनिस्टर सिंध पर या और दीगर लोगों पर जो इनको जेब नहीं देता। एक तो चोरी, फिर सीना जोरी, और फिर जो आज वहां पे हुआ है और इन सब की ईमा पे वहाँ पे जो अफसरान थे या जो लोग वहाँ पे कानूनी काम कर रहे थे उन पर हमला किया है, वो फुटेज भी सारी मौजूद है। फिर रोड ब्लॉक किया है, जो शाहराह है, मेन शाहराह जो है, और कई घंटों तक लोगों को अजियत से गुजरना पड़ा। तो ये किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे और ये ऐसे नहीं होगा कि आप जो हैं वो इस तरह की गैर कानूनी हरकत करें और फिर उसमें सियासी पॉइंट्स को लेकर।